हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। रिम न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त आमना आदिल जी। तो बात है ये कि अली की निकली है लॉटरी, वो भी पूरे 2 करोड़ रुपए की। लेकिन मसला हुआ ये कि अली वहाँ मौजूद ही नहीं, मौजूद है वहाँ 3 डॉक्टर्स जिनका कहना है ये कि अली है हमारा भाई। लेकिन जब अली को कॉल की जाती है तो अली कहता है कि हमारा तो कोई भाई ही नहीं है। कौन झूठ बोल रहा है ये बताएंगे मुझे आप कमेंट बॉक्स में, मैं जानूंगी यहाँ के लोगों से। तो आइए मेरे पास, जानते हैं कौन है झूठा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? फहीम। फहीम फरा। ओह नाइस नेम, सेम सेम। अच्छा वाइफ? जी वाइफ। ओके, कितने देर होगी शादी में? 10 जनवरी। 10 जनवरी, ओके। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। अच्छा सर, इस वक्त आप हमारे साथ प्रोग्राम जलेबी में शामिल हैं। एक छोटा सा आसान सा सवाल है मेरे पास, तो अगर मैं वो आपसे पूछूं तो आप जवाब दे देंगे? मुश्किल है लेकिन ट्राई करेंगे। मुश्किल है, मुश्किल है लेकिन ट्राई करेंगे। ओके, डिपेंड करता है सवाल पे। सवाल पे पहेली। अच्छा, क्या है मतलब? पहेली नहीं है, बस एक सवाल है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन। चलें कर लें। पहेली समझ लें। ठीक, कर लें। पूछूं? जी। रेडी? या श्योर? गिफ्ट क्या होगा? इतनी प्यारी आपके पास वाइफ है, इतनी प्यारी आपके पास वाइफ है, अभी भी गिफ्ट मांग रहे हैं। अच्छा पूछ लूं इनसे, आप इजाजत देंगी? और इनसे पूछ लूं, आप इजाजत देंगे? ओके, तो मेरा सवाल है ये कि अली की निकली है 2 करोड़ की लॉटरी। अली जो है वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। अली मौजूद नहीं है तो वहाँ पर मौजूद है 3 डॉक्टर्स जिनका कहना ये है कि अली है हमारा भाई। लेकिन जब अली को हम कॉल करते हैं तो वो ये कहता है कि मेरा तो कोई भाई ही नहीं है। क्या आपको लगता है इसमें कोई झूठ बोल रहा है? और अगर कोई झूठ बोल रहा है तो कौन बोल रहा है? और अगर कोई झूठ नहीं बोल रहा तो ऐसे कैसे मुमकिन है? That one is a tough one. मैं तो मुझे भी नहीं समझ। नहीं, आप थोड़ा सोचे, थोड़ा सोचे, थोड़ा सा सोचे। अगर आप 3-4 गेस करें, 3-4 ट्राई तो करें। हाँ, तुक्के लगाएं। तुक्के लगाए, एक्चुअली तुक्के लगाए। और अगर ना लगा ना तो मैं सवाल बदल दूंगी। अपने पैसे आने के बाद कौन कहेगा मेरा भाई है? यही मेरे हिसाब से ये कॉमन सेंस बनती है। हाँ, अच्छा, 2 करोड़ जिसे मिलेगा वो कहेगा मेरा कोई भाई नहीं है। उसका खून सफेद हो जाएगा। हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही है। जाहिर बात है उसने खुद ही लेना, भाई को कोई दे सकता है इतना पैसा? अच्छा, तो मतलब खुद ही हजम करना चाहिए। अली इसलिए कह रहा है कि मतलब मेरे भाई पैसे ना ले ले, इसलिए वो कहते मेरा भाई नहीं है। हाँ जी, मतलब पैसे ने उसको अंधा कर दिया। हाँ जी, खून सफेद हो गया। हाँ जी, ऐसा ऐसे ही देखिए, चांस तो है ना, अली सिंगल भी हो सकता है, जरूरी है तो नहीं कि उसके बहन भाई भी हों। ठीक है, और बताने वाले जो हैं उसको गलत गाइड भी कर सकते हैं। जवाब ये है कि फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता। कुछ भी नहीं कहेंगे? बिल्कुल कुछ नहीं कहेंगे। माय कॉमन सेंस काम नहीं। डॉक्टर झूठ बोल रहा है। डॉक्टर झूठ बोल रहा है? हाय अल्लाह, डॉक्टर, डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं आजकल के डॉक्टर्स, बहुत झूठ बोलते हैं। हार मान ली? मान ली। कहीं मैंने हार मान ली? हार मान ली। अच्छा बताए, हार मान ली? चले मान लीजिए। नो, अली झूठ बोल रहा है। अली झूठ बोल रहा है? चोर क्या हो? अली झूठ बोल रहे हैं। अल्लाह, कितनी फरमाबरदारी। हाँ में हाँ, हमारी इतना हम आंसर नहीं ना करते इन चीजों को, कैसे हो सकता? इतना हम उनको जज नहीं करते, जज भी नहीं करते बिल्कुल। बता दे यार, मुझे नहीं आ रहा, मैं क्या बता दूँ। हम इस पर भी गिव अप करते हैं। अरे इतनी जल्दी, थोड़ा सोचा करो पाकिस्तानियों। पाकिस्तान ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, दिल से सोचते हैं। अच्छा लाहौर से? लाहौर से। आई गिव अप। सवाल तो बहुत अच्छे गंदे गंदे आ रहे हैं, लेकिन ऐसा जवाब मैं दे नहीं सकता। लेकिन एक्चुअली ये है कि अगर वो बंदा शेव करता है, दो पॉसिबिलिटी, वो शेव कट कर लेता होगा, मूंछों की कर लेता होगा, लेकिन वो शेव करता है, कंप्लीटली शेव करता है। फिर है तो शेव करता ना? नहीं, शेव रोजाना करता है, लेकिन फिर भी उसकी दाढ़ी नहीं जाती, फिर भी दाढ़ी है, ऐसा कैसे मुमकिन है?
दाढ़ी तो है ना उसकी, वो रोजाना शेव करता है लेकिन उसकी दाढ़ी नहीं जाती। दाढ़ी तो है ना। नहीं उसके बाल नहीं जा रहे ना, बियर्ड नहीं जा रही उसकी। क्यों कैसे? Because he's an adult man, तो कैसे जा सकती है? अरे उसके बाल दाढ़ी के नहीं जा रहे तो वो रेजर ठीक वाला यूज नहीं कर रहा होगा। अब मैं क्या कर सकती हूँ? अच्छा हाँ, और क्या हो सकता है? थोड़ा और सोच लो। बताओ। नो नो बच्चा तो नहीं है, उसकी तो दाढ़ी होती नहीं है। ऐसे तो नहीं, वो दाढ़ी की कटिंग करते रहते हैं। नहीं ना, शेव करता है। मैंने हार मान ली क्योंकि इतना सोचने का टाइम भी नहीं होता। अच्छा आपने हार मान ली। अब आप मुझे ये बताएं कि आप मुझे अच्छा सा क्या सुनाने वाले हैं? शेर, गाना, कोई अच्छी बात, क्या? शेर तो नहीं, मुझे ना गाने आते हैं ना शेर आते हैं, लेकिन एक अच्छी बात कह सकता हूँ कि जो ज़िंदगी में सबसे अच्छी चीज़ है ना, वो अगर आप किसी परेशानी से, मुसीबत से बचना चाहते हैं या मुसीबत आ गई है और उससे वो ख़त्म करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छी चीज़ है कि वो अपने जो अपने से छोटे लोग हैं उनका ख्याल करें, सदका करें। बिल्कुल। सदका करना पैसे का है, सदका करना अच्छी बात करना सदका है, अच्छे तरीके से बात करना सदका है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। किसी को रास्ता देना भी सदका है, ये करें। ये मेरी ज़िंदगी में जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है। मैं जो तेरा न हुआ किसी का नहीं, किसी का नहीं। हाँ, हम फूलों के सौदागर हैं, हम सच्चा सौदा करते हैं, जो गाहक फूलों जैसा हो हम बेदामों बिक जाते हैं। डेडिकेट किसको किया? अब आप क्या डेडिकेट करेंगे? मैं तो कुछ नहीं, इनको सॉन्ग बड़ा अच्छा आता है, कि सॉन्ग मेरे लिए गा दें। चले नहीं मतलब आप नहीं सुनाने वाले, वही सब कुछ सुनाए। बस वही सुनाए सब कुछ। हमारी तो शादी पे भी यही था, he was very shy और मैं ही डांस कर रही थी और मैं ही सब कुछ कर रही थी। So sad. Song सुनो। यहाँ ये तो हाल मुझे भी पता चल गया। Foreign give up, foreign give up. तिनका जरा जरा है रोशनी से जैसे भरा, हर दिल में अरमां होते तो हैं, हर दिल में अरमां होते तो हैं, बस कोई समझे जरा। जी व्यूअर्स, हमने पूछे फिर लोगों से आसान आसान से सवाल, लेकिन हमें फिर भी नहीं मिला जवाब। तो पहला सवाल था मेरा ये कि एक अली की निकली है लॉटरी और वो भी 2 करोड़ रुपए की। 3 डॉक्टर्स हैं जो ये, जिनका कहना है ये कि अली है हमारा भाई, लेकिन अली कहता है कि मेरा कोई भाई नहीं है। तो इसका जवाब ये है कि कोई भी झूठ नहीं बोल रहा, जो डॉक्टर्स हैं वो उसकी बहनें हैं। मैंने ये मेंशन ही नहीं किया कि डॉक्टर्स मेल थे या फीमेल। ओके, सो दूसरा सवाल था मेरा ये कि वो कौन है जो शेव करता है रोज़ाना लेकिन उसकी दाढ़ी फिर भी मौजूद है। तो उसका जवाब है कि वो है बार्बर। तो जनाब, कैसा लगा आपको आज का हमारा प्रोग्राम? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी तक के लिए अपने मेज़बान आमना दिल को दे इजाज़त और देखते रहे रिम न्यूज़, जो है सच की ताकत।